सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एंडलेस नाइटमेयर्स 3 ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो ये जो है ना एंडलेस नाइटमेयर सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और इसका साइज़ 337 MB है। और गेम तो अभी अपनी अर्ली एक्सेस में ही है, यानी कि अभी गेम को मतलब आए हुए ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बट अभी भी जो है ना गेम में काफ़ी मतलब चीज़ें बाकी है आना, तो उसके लिए भी अभी हमको जो है ना वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ आपको ये बता दूँ कि ये जो है ना ये एक ऑनलाइन गेम है। यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं कि नेटवर्क डिसकनेक्टेड, उसके बाद में प्लीज़ चेक योर नेटवर्क एंड रिकनेक्ट। तो ऑनलाइन गेम तो है, पर चलो गेम प्ले मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लिया, रिकनेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब तो हमारा वो हट जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से ये गेम की लॉबी है जो कि अच्छी है, मतलब यहाँ पर गेम का यूआई तो डिसेंट क्वालिटी का। यहाँ पर डेली टास्क आपको देखने को मिलते ही है, आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई मतलब टास्क अच्छा नहीं लग रहा है तो एड वेड देख के। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन का है, तो यहाँ पर ग्राफिक्स मैंने हाइपर ही रखी है, वॉल्यूम कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री व्यू सेंसिटिविटी भी है और एम सेंसिटिविटी भी, अपने हिसाब से आप कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर से हम जो है ना रिडीम रिटर्न हो जाते हैं। अब देखो ये है तो एक ऑनलाइन गेम, पर इसमें मल्टीप्लेयर का फीचर नहीं है। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि इन्होंने इसको ऑनलाइन क्यों रखा, क्योंकि एंडलेस नाइटमेयर सीरीज़ तो है ना ऑफलाइन ही है, पर ये थर्ड पार्ट इसका ऑनलाइन है। बट हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर इजिप्ट में ये पूरा गेम जो है ना बेस्ड है, और वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इस गेम की, क्योंकि यहाँ जो है ना गेम की टेक्स्चर क्वालिटी ये सब है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा गेम प्ले जो कि फर्स्ट पर्सन में है। और यहाँ पर से जो भी है आपको कुछ इस तरीके से। और इन्होंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी रखी कि ये जो गेम है ना इसके अंदर में ना इन्होंने पूरी इजिप्ट वाली फील लेके आए हैं। म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा, यहाँ सुना तो नहीं पाऊँगा बट मैंने सुना है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मुझे नोट मिला था, तो ये नोट तो नहीं, बाकी इस तरफ में अगर मैं गया था मैं तो मुझे यहाँ पर एक एनिमी मिला था, मैंने उसको मार दिया था। तो हाँ, उसको तो मैंने मार दिया था। बाकी इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ों को मतलब माइनर माइनर सी डिटेल भी रखी है। एंड मुझे इस गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ टेक्सचर क्वालिटी आप देख सकते हैं लिटरली में बहुत ही रियलिस्टिक है, एंड बहुत रियलिस्टिक फील कराएगा, एकदम इजिप्ट की वाइब्स डाली है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एनिमीज तो है ही सही, इनको अगर मैं पीछे से मारूँगा ना तो ज़्यादा ईजी होगा। एंड यहाँ पर ओ शिट, इसने देख लिया अपने को, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर यार उन्होंने देख लिया अपने को। बाकी चलो इससे अपने को 1v1 ही करना पड़ेगा। तो मार दिया क्या? हाँ मार दिया मैंने। और यहाँ पर से कुछ केस, ये लोग केस भी रखते हैं, मतलब लॉजिक तो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, पर जो भी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये स्टेचूज देखने को मिलेंगे। और हाँ, कटसीन शुरू में एक देखने को मिला था, उसके बाद तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, बट वो कटसीन भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का था। तो हाँ, एक मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब गेम है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट यही है कि ऑनलाइन है। बाकी हाँ, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।